प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि हिमाचल पहुंचे हुए हैं, कांगड़ा के शाहपुर में पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी है, जहां पीएम मोदी कांग्रेस पर खूब बरसे। पीएम ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस ने बस काली कमाई से अपनी तिजोरियां भरी हैं, लेकिन लोगों को अब पता चल गया है, लोगों को भी अनुभव के बाद समझ आ गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मारेगी। कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं, इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर वापस आई। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो, यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। और उधर हमीरपुर के सुजानपुर में भी पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी के हक में वोट की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जनता लगातार हर राज्य में कांग्रेस को सबक सिखा रही है। कांग्रेस को गलतफहमी है कि हिमाचल में 5-5 साल के बाद सरकार बदलेगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी जहां कमजोर थी वहां भी कमल खिल रहा है और कांग्रेस के गढ़ से भी उसका सफाया हो रहा है। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े सहनसा मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके, 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया।